राजस्थान प्रांतीय तेलीग साहू महासभा महिला मोर्चा द्वारा तेली समाज के शिव मंदिर तिलक नगर में महिला जिला अध्यक्ष संपत्ति देवी पंडियार के नेतृत्व में होली मिलन व फाग महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिला मंडल द्वारा भगवान शिव मंदिर में प्रश्नों की प्रस्तुतियां दी गई व महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण व राधा की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। महिला जिला प्रवक्ता जशोदा मांधरिया ने बताया कि शिव परिवार संघ केसुला होली खेली गई व महिलाओं द्वारा एक दूसरे को गुलाल व फूलों संग होली खेलकर एक दूसरे को बधाइयां दी गई। कार्यक्रम में भूरी देवी ढाकरिया, सुनीता अग्रवाल, रेखा बात्रा, आशा कंचन राठौर, अंगूर बाला, गीता संतोष, टीना पंडिया, रेखा निणावर सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। रामनिवास धाम में रामस्नेही संप्रदाय के वार्षिक उत्सव फूलडोल महोत्सव के तीसरे दिन भी महाप्रभु रामचरण महाराज की वाणी की शोभा यात्रा रामकोटे से सूरज पोल तक निकाली गई। रामस्नेही अनुरागी राम नाम सुमिरन तथा वाणी जी की पंक्तियों का जयघोष करते हुए पहुंचे। सूरज पोल पर रामस्नेही संप्रदाय के वरिष्ठ संत राम नारायण महाराज तथा भंडारी संत शंभु राम महाराज ने शोभा यात्रा की अगुवानी की। बाद में वाणी जी व चढ़ावे को बरादरी में आचार्य रामदयाल महाराज को समर्पित किया गया। बारादरी में रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य रामदयाल महाराज ने वर्चुअल प्रवचन देते हुए कहा कि महाप्रभु रामचरण महाराज के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। विश्व की तमाम समस्याओं का समाधान उन आदर्शों पर चलने से ही संभव है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रामस्नेही अनुरागी घर बैठकर ही राम नाम सुमिरन करें और वहीं से प्रणाम भी करें। इससे पहले प्रातः रामधुनी आरती वंदना के अलावा संतों के प्रवचन भी वर्चुअल ही हुए। संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य रामदयाल महाराज ने संतों के साथ महाप्रभु के समाधि स्तंभ के यहाँ पहुंचकर विश्व में कोरोना की मुक्ति के लिए कामना करते हुए दंडवत प्रणाम किया। फूलडोल महोत्सव के तीसरे दिन बारात्रि में आचार्य का अगला चतुर्मास कराने के लिए संतों ने अर्जियों का वचन भी किया। कोटड़ी कस्बे में 14 दिन पूर्व 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से घायल हुए युवक ने 14 दिन बाद उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 मार्च को कोटड़ी कस्बे के तदाजी चौक में बन रही तेली समाज की धर्मशाला में तराई करते समय वहां से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से तेजाजी चौक कोटड़ी निवासी रामलाल पिता मोतीलाल तेली गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।